फार्मिंग अलग है, चूजा सप्लाई करके केवल हम लोगों का 40 से 50 हज़ार रुपया महीना का बचत हो जाता है। इसमें ट्रेवलिंग खर्चा है और खर्चा है, सारा खर्चा छाट करके 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से बच। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग अटैच के कॉर्न रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम धर्मेंद्र जी के फार्म पे आए हुए हैं और धर्मेंद्र जी काफ़ी पहले से देसी पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, साथ में मुर्गी का बच्चा निकाल करके भी सेल करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी ये चला रहे हैं, देसी मुर्गी का हो या मुर्गी का बच्चा सेल करके। तो आज हम इनसे मिलाएंगे, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, कैसे ये प्रॉफिट कमाते हैं, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। इनके पास कौन कौन सा वैरायटी का चूजा निकलता है और कैसे निकलता है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो आइए मिलाते हैं धर्मेंद्र जी से और देते हैं आपको एक सफल जानकारी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जितने भी किसान भाई आप देख रहे हैं उनके लिए आप अपने फार्म को और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सबको हमारे तरफ से धन्यवाद। और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट हुसैपुर नंद, थाना बसंतपुर, जिला सिवान, बिहार से हम बोल रहे हैं। हम आपके पास देख रहे हैं कि आप मुर्गी पालन भी करते हैं और साथ में ही अंडा से बच्चा निकाल करके भी सेल करते हैं। जी ठीक है, तो हम जानेंगे भी कौन कौन सा वैरायटी का आप चूजा निकालते हैं। उसके पहले बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो हम देख रहे हैं आप मशीन लगाए हुए हैं, खुद से बनाए हुए हैं, कितने कैपेसिटी का मशीन लगाया हुआ है? हमारे पास एक मशीन है 4500 कैपेसिटी का, एक है 1500 कैपेसिटी का और एक है 3500 कैपेसिटी। अच्छा जी, टोटल आपके पास 3 मशीनें हैं। जी जी, तो हमारे दर्शकों को मशीन के बारे में दिखाइए और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें अंडा डलता है। जी आइए चलिए। और ये जो मशीन हुआ आप खुद से बनाए हुए हैं? जी ये खुद से बनाया हुआ है। अच्छा मशीन जी, इसका कैपेसिटी है 4500 अंडा डाला जा सकता है। जी जी जी। अच्छा जी धर्मेंद्र जी, एक बात बताइए, आप काफी पहले से मैं देख रहा हूँ कि आप देसी मुर्गी पालन करते हैं। जी ठीक है जी। तो क्या जरूरत पड़ा कि आप देसी मुर्गी के पालन के साथ साथ मशीन भी लगाए हुए हैं, क्या मतलब इसका क्या थोड़ा सा बताइए हमारे बारे में। जी देखिए, इसके लिए पहले हम बाहर से मंगाते थे बच्चा, जी तो टाइम से चूजा मिल नहीं पाता था या जब आदमी का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हो नहीं पाता था। बिल्कुल। तो आदमी धीरे धीरे इस पर प्रोसेसिंग किया, मैंने देखा जाना और तो मशीन के बारे में पता चला जी। तो फिर एक हमारे भाई साहब थे, वो काम करते थे कहीं कंपनी में, तो वो बताए, तो वही आके हमको इसका आइडिया दिए और मशीन मतलब खुद से भी मशीन बना करके हम चूजा निकाल सकते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और इस मशीन को बनाने में सहायता किया। अच्छा जी, तो इसमें ये जो मशीन का कैपेसिटी कितना अभी बताया आपने? 4500 है इसका। 4500 है जी। इसमें आप अभी अंडा डाले हुए हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें अभी कौन से बर्ड का अंडा डाले हुआ है? अभी इसमें सोनाली और RIR बर्ड का अंडा है। सोनाली और RIR बर्ड का अंडा है। जी जी। और बात कीजिए कि इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना दिन में अंडा निकलता है और क्या परसेंटेज रहता है? देखिए ये मशीन, इसमें अंडा डाला जाता है तो 18 से 21 दिन के बीच में चूजा निकलता है। अच्छा जी, 21 दिन में फाइनल हो जाता है। जी जी जी। और इसमें आपका वही 80 से 85% तक रिजल्ट आ जाता है। 80 से 85% तक रिजल्ट आता है जी। तो रिजल्ट में भी कमी नहीं है, आराम से मतलब आप लगाते हैं तो बढ़िया रिजल्ट भी आता है। जी जी जी। पूरा यहाँ पे देखिए कि आप टेम्परेचर सिस्टम लगा रखे हैं, ह्यूमिडिटी सिस्टम लगा रखे हैं जी, और सही तरह से मैनेज कर रहे हैं जी। अगर मतलब जैसे कि आप लगाए हुए हैं ये गांव में, आप फार्म के साथ साथ हैचरी मशीन लगाए हुए हैं। जी जी। इसको कितना टाइम तक बिजली देना अनिवार्य है? अगर बच्चा इसमें निकल रहा है तो कितना टाइम तक बिजली? देखिए बिजली तो कंटिन्यू 21 दिन तक इसमें चाहिए। कंटिन्यू चाहिए जी, कंटिन्यू चाहिए। और बीच बीच में लाइन कटता है और कोई सपोर्ट नहीं हो, बैक सपोर्ट नहीं हो बीच में, या दिक्कत हो तो आप आधा से एक घंटा भी बगैर बिजली का चल सकता है। अच्छा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसके लिए आपको मतलब एक रूम बनवाना पड़ेगा। जी जी। जैसे कि आपने रूम बनवा करके रूम के अंदर रखे हुए हैं। जी जी। इसको ऐसे ही हम कहीं नहीं रख सकते नहीं। इसका पूरा मतलब जो टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। जी जी। तो हमारे किसान भाइयों को अंडा दिखाइए। जी, अंडा दिखना चाहेंगे और किसान भाई को दिखाना चाहेंगे। जी देखिए, यहाँ से हमने फैन बंद कर, फैन ऑफ किया। जी अच्छा जी, तो किसान भाई यहाँ पे देख सकते हैं बंद होता है और ये प्लाई का बनता है। जी, जी आपने प्लाई का बनाया हुआ है। जी और क्या बात है, इसमें अंडा देख सकते हैं आप, पूरा अंडा लगा हुआ है। जी और इसको लगाए हुए अंडा कितना टाइम हो गया आपको? इसको 10 दिन हो गया। अभी 10 दिन हुआ। जी ठीक है। और मतलब ये 11वां दिन तक ये खाली हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। अभी कितना अंडा डाले हुए हैं इसमें? अभी इसमें अंडा है
4000 अंडा डाले हुए अभी। जी जी जी। अच्छा जी, और 4000 में मैक्सिमम कितना चूजा निकल जाएगा? 4000 में वही 80% के हिसाब से कर लीजिए, इसमें आपका वही 3000 से 3200 तक, 3000 से 3200 तक आराम से निकल जाएगा। जी जी, जी। बिल्कुल। किशन भाई यहाँ पे देख सकते हैं सर, हैचरी के साथ साथ कुछ अभी बर्ड भी रखे हुए हैं जो कि इनके पास सोनाली और डबल एफजी में है। तो सर अभी बर्ड की संख्या आपके पास कितनी है? देखिए अभी तो बर्ड पहले बहुत ज्यादा था जी, लेकिन अभी फार्म खाली किए हुए हैं, बर्ड पुराना हो गया था तो उसको सेल किए हैं। अच्छा जी। हमारे पास 350 पीस सोनाली का मुर्गी था जो लेयर पे था जी, लेकिन पुराने होने के वजह से उसको सेल किए हैं। अभी हमारे पास डबल एफजी का बर्ड 30 पीस है। अच्छा जी। और उसमें मेल 2 है। अच्छा जी। और थोड़ी सी सोनाली बच गई है जो अंडे पे है अभी। अंडे पे है। ठीक है, तो आपके पास बर्ड था, आपका फार्म पूरा हम खाली देख रहे हैं, तो ये बर्ड जो आप 30-40 बर्ड रखे हुए हैं इनको रखने का क्या रीजन है? इनको अभी अंडा शुरू में ही स्टार्ट की है। अच्छा, अभी फिलहाल तो इसको रखे हुए हैं कि बिक जाता तो बेकार हो जाती जी। अभी कम से कम साल भर हमारे पास अंडा देगी। साल भर ये अंडा देगी जी, जी। ऐसा भी होता है कि आपके फार्म पे हम देखते हैं कि लोग, गांव के लोग भी, जैसे कि आपका फार्म गांव में है जी, जी। तो गांव के लोग भी अगल बगल के आते रहते हैं फार्म पे कि चलो मुर्गियां खरीदने जी, जी। तो उनको भी लौट करके जाना ना पड़े जी जी जी, उनको भी मिलता रहता है जी। अब जैसे गांव में लोग आते हैं अंडे के लिए जी, तो थोड़ा बहुत रहता है तो कोई भी आता है तो उसको अंडा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अंडा भी खरीद सकते हैं, मुर्गी भी खरीद सकते हैं, तो ऐसे भी करके कुछ ना कुछ अपने फार्म पे रखना पड़ता है। जी जी। ठीक है, तो सर आपके पास अभी हम देख रहे हैं लगभग 9-10 हजार कैपेसिटी में आप थी हैचरी वाला मशीन लगाया हुआ है। 9-10 हजार आपको डिमांड होता होगा अंडे का जी। ठीक है, इतना जो डिमांड है अंडे का, इतना जो आप अपने हैचरी में डालते हैं, अंडा लाते कहाँ से हैं? क्योंकि आपके पास तो काफी कम बर्ड था जी, और जी। आपने बर्ड भी सेल कर दिया जी, जी, तो आप अंडा कहाँ से ला रहे हैं? देखिए हम अंडे के लिए एक हमारे हैं फार्मर, उनके पास हम चूजा रखवाए थे और वहीं से अंडा आता है। अभी मुर्गी अंडा दे रही है, 4 या 5 माह से अंडा स्टार्ट की है। आसपास में और भी फार्म है तो दूसरे फार्म से आप अभी अंडा ले रहे हैं? जी जी, जी। ये बताइए किसान भाइयों को अंडा कैसे ले रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए अभी तो अंडा वहाँ से हम 9.5 रुपया के रेट में लाए हैं जी, और मान लीजिए जैसे रेट 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता रहता है, अंडे का भी मतलब बेकचोल होता रहता है जी, जी। तो अभी जो आप अंडा लाए थे 9.5 रुपए के करीब में जी, जी। अंडा लाए थे जी, ठीक जी। है, यहाँ भी आपके 2 हैचरी मशीन देख रहे हैं जिसमें अभी बच्चा निकला हुआ है जी, जी, तो जी। तो खोल करके दिखाइए हमारे किसान भाइयों को, और किसान भाई को दिखा दे हम इसमें बच्चा डाले हुए हैं जी। इसमें थोड़ा सा मशीन खाली था पहले से। अच्छा जी। तो नीचे इसी में छोड़ दिया है ब्रूडिंग के तौर पे कि आराम से बच्चा सेफ रहे तब तक। तो ये जो बच्चा किसान भाई देख रहे हैं इनको निकले हुए कितना टाइम हो गया? इनको अभी 1 दिन हुआ है। 1 दिन हुआ निकले हुए जी, मतलब 1 दिन का ही ये बच्चा है जी जी जी, जी। और यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाई ये पूरा खाली हो गया है, और ये पहले से जैसे कि मतलब इसमें अंडा डाला गया था तो ये 21 दिन पे निकल गया, और 1 दिन का बच्चा है, और बच्चा इसमें से आप सेल भी किए हैं जी। इसमें से बच्चा अभी 200 सेल हुआ है। अच्छा, 200 सेल हुआ है जी। 100 कड़कनाथ और सोनाली 100 पीस। इसमें हम कड़कनाथ भी देख रहे हैं और सोनाली भी आप डाले हुए हैं जी, जी जी जी। अच्छा जी, तो दोनों मिक्स करके आप डाले थे जी। अच्छा जी, दोनों जैसे कि मान लीजिए जैसे ऑर्डर रहता है उस हिसाब से अंडा आदमी डाल देता है, उस हिसाब से अंडा डालते हैं जी जी। सर अभी आपको ये फार्मिंग करते हुए हैचरी मशीन चलाते हुए काफी समय हो गया जी जी जी। लगभग अगर एवरेज साल भर का बात की जाए तो पर मंथ आप कितना अंडा खरीदते हैं और कितना चूजा सप्लाई करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पर मंथ हम 8-10 हजार अंडा खरीदते हैं। अच्छा जी। और वही आपका चूजा सप्लाई होता है 7000 के आसपास। 7000 के आसपास में जो उसमें से चूजा निकलता है हर मंथ का लगभग एवरेज वाइज होता है जी। जी है? और कौन कौन से बर्ड का आप चूजा सेल करते हैं? ज्यादातर तो सोनाली सेल करते हैं जी, लेकिन उसमें कड़कनाथ भी सेल, थोड़ा सा अंडा डाल दिया जाता है, और RIR का भी मिला तो वो भी अंडा डाल दिया था। ऑर्डर के हिसाब से अंडा, ऑर्डर के हिसाब से हाँ, जो अंडा उपलब्ध हो जी बिल्कुल उस हिसाब से डाल दिया। अच्छा जी, आपके पास जो भी ये मतलब बच्चा डाला हुआ है ये ऑर्डर पे है जी? जी बिल्कुल जी। ये जिस निकलते ही ये सेल हो जाता है जी? निकलते निकाल करके मतलब पहले से कोई फार्मर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, तो वो कहते हैं तो उनको चूजा सप्लाई कर दिया जाता है बिल्कुल।
और जो हो बचता है वो अपने फार्म में भी डाल दिया जाता है, जो लास्ट में नहीं बिक पाता है या डिमांड से ज्यादा डल जाता है वो अपने फार्म के लिए भी रखा जाता है ताकि वो नुकसान ना हो, अपने फार्म पे भी पाल सके। देखिए क्योंकि पहले हम हेचरी बाद में, पहले हम फार्मर हैं बिल्कुल, तो हम पहले फार्मिंग करते थे और फार्मिंग करना हमको अच्छा लगता है बिल्कुल, तो हमको ज्यादा कोशिश रहता है कि अपना भी फार्म चलते रहे बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी काम साथ में चलता रहे। और आपके आसपास के जो भी किसान है आपसे जुड़े हुए हैं तो उनको भी चूजा लेने में दिक्कत नहीं होगा, टाइम टू टाइम मिलता रहता है। अभी आपके पास हम तीसरे मशीन पे खड़े हैं और ये भी मशीन चालू है, इस मशीन का कैपेसिटी क्या है? इस मशीन का 1500 कैपेसिटी है। इसे थोड़ा सा खोल के दिखाइए, इसमें भी देख रहे हैं कि अंडा डाला हुआ है। जी इसमें अंडा डाला हुआ है तो ये इसमें से हैच हो चुका है, थोड़ा सा चूजा और है जो निकल रहा है। जी देखिए यहाँ सारे अंडा फूटे हुए हैं, अंडा फूट गया है जी। और किसान भाई आप देख सकते हैं इसमें जो कुछ अंडा बच गया है उसमें से चूजा भी बाहर आ रहा है जी। और ये भी मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में खाली हो जाएगा, कल खाली हो जाएगा, कल ये खाली हो जाएगा, कल इसमें से पूरा जो चूजा है अंडे से बाहर आ जाएंगे जी, ये पूरा आपका हैचरी जो है खाली हो जाएगा जी। दो दिन पहले से इसमें अंडा फूट रहा है। अच्छा, 2 दिन पहले से अंडा इसमें फूट रहा है जी। अंडा जो डालते हैं आप, 1 दिन में पूरा चूजा नहीं निकलते हैं, उसको निकलने में 2 से 3 दिन समय लगता है जी। 18 से 21 दिन के बीच में चूजा अच्छा जी बाहर आता है, 18वां दिन से स्टार्ट होता है और 21 दिन के अंदर ये चूजा खाली हो जाता है। फार्मिंग अलग है, चूजा सप्लाई करके केवल हम लोगों का 40 से 50 हजार रुपया महीना का बचत हो जाता है। इसमें ट्रेवलिंग खर्चा है और खर्चा है, सारा खर्चा छाट करके 40 से 50 हजार रुपया आराम से बच कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपका मेहनत भी है जी। जी धर्मेंद्र जी, आपके फार्म पे हम देख रहे हैं कि आप जो बर्ड रखे हुए हैं WFG सोनाली में काफी हेवी वेट में है जी, जी काफी बड़े बड़े बर्ड है जी, तो ये कितना दिन का बर्ड हो गया और इनका वजन कितना हो जाता है इसके बारे में बताइए हमारे। देखिए ये जो WFG की मुर्गी है बिल्कुल, ये 4.5 महीने के आसपास हो गई है और इसको हम रखे हैं अपने फार्म पे क्योंकि खुदरा सेल के लिए, क्योंकि लोग आते हैं फिर के नहीं जाए, इसके लिए रखा गया है। तो ऐसा बर्ड आपको हमेशा रखना पड़ता है कुछ जी क्योंकि एनी टाइम हमारे पास कस्टमर आते रहते हैं एक दो पीस के लिए, तो उनके लिए बर्ड हमारे पास जरूरी होता है कि फिर के ना जाए। जैसे देखिए ये मुर्गा है जी, 4.5 किलो के आसपास का वेट है इसका। 4.5 किलो का वेट है जी। कितना टाइम का हो गया ये? 4.5 महीने का हो गया। 4.5 महीने का हो गया, 4.5 किलोमीटर इसका आ गया जी। और ये किस प्रजाति में मुर्गा है? ये WFG का मुर्गा है। WFG का मुर्गा है जी। और इसको अपने फार्म पे आप कितना रुपए तक सेल कीजिएगा? कम से इसको मिनिमम 1000 रेट में आराम से, 1000 में इसको सेल किया जाएगा, 250 रुपए किलो के हिसाब से जी। तो बढ़िया है एक तरह से, एक तो फ्री रेंज में तैयार हो रहा है जी। घास और थोड़ा सा दाना खाता है मेरे ख्याल से जी। और इस हिसाब से भी आप सेल करते हैं जी। आपके पास काफी हेवी वेट में हम देख रहे हैं कि मुर्गा आप रखे हुए जी। तो एक दिन में कितना मुर्गा सेल करते हैं आप अपने फार्म से? एक दिन में हमारे यहाँ से 4 से 5 मुर्गा सेल हो जाता है। 5 मुर्गा सेलिंग है जी। मंथली बजरी ऐसा करके सेलिंग है जी। खुदरा विक्रेता भी आपके पास अच्छा खासा है जी। आप बैनर भी लगाए हुए हैं जिसे देख करके लोग भी आते हैं और खरीद करके ले जाते हैं जी। ठीक है, तो दोस्तों धर्मेंद्र जी का फार्म का ये छोटा सा टूर आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा? हैचरी के फार्मिंग के साथ साथ धर्मेंद्र जी हैचरी भी लगाए हुए हैं और एक अच्छा खासा डिमांड सप्लाई भी इनके पास है चूजे का, अच्छा खासा मुर्गी सप्लाई करके, अच्छा खासा मुर्गी का बच्चा भी सप्लाई करके, और इनका मॉडल जो है खुद से फार्मिंग भी करते हैं, जो अंडा आता है अपने हैचरी में डालते हैं और जिस समय इनके पास मुर्गियां नहीं होती है उस समय अपने आसपास के जो भी किसान हैं उनसे अंडा लेकर के अपने हैचरी में डालते हैं, उससे चूजा निकाल करके सप्लाई भी करते हैं, तो एक अच्छा प्रॉफिट भी ये बना रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो